ग्वालियर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई डीआईजी चंबल सौरभ सिन्हा की पत्नी मेघा सिन्हा के साथ ठगी करने वाले शातिर ठगों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि चंबल डीआईजी की पत्नी को एक मेड की तलाश थी, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन इंटरनेट पर सर्च कर राधा प्लेसमेंट सर्विस से मेड बुलाकर कंपनी को 37,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान किया। मेड ने आकर उनके यहाँ सिर्फ एक ही दिन काम किया और अगले दिन वह मौका पाकर गायब हो गई। उन्होंने इसकी शिकायत जब कंपनी बालों से की तो वहां से उन्होंने कोई मदद नहीं दी। इस घटना के बाद उन्होंने कंपू थाना पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने राधा प्लेसमेंट सर्विस से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ में धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर ही इन शातिर ठगों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। कंपू थाने में हमने अभी हाल ही में एक 420 का अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें फरियादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर बताया गया था कि ऑनलाइन मेड जलाने के नाम पे कुछ लोग आए थे और उन्होंने मेड भी उपलब्ध कराई थी और कुछ राशि बतौर एडवांस प्राप्त की थी। उसके बाद बिना बताए बिना काम किए भाग गए थे और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद हमने एक अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया, टीम गठित की। उस पर से हमारी टीम ने उक्त जो गैंग है, गिरोह है, उसको हमने हरियाणा के फरीदाबाद से हिरासत में लिया है और उससे हम पूछताछ कर रहे हैं गिरोह से कि उनके द्वारा इस तरह की वारदात और पूर्व में कब की गई।